और ये है आम आदमी पार्टी का कार्यालय। एक बुजुर्ग महिलाएं हैं और बहुत सारे अन्य लोग हैं, अपनी अपनी अन्य भिन्न भिन्न समस्याएं वो लेकर यहां पर आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा काम करते हैं, खाकी कोई का मुकाबला नहीं है। ये हर साल हमेशा मोदी को छोड़ के आप पार्टी को लाओ सब जने और हम सब मिलके शादी भाई के साथ काम करेंगे, एक एक 11 हो जाएंगे। इससे ज्यादा लोग बाहर बैठे हैं। इस ये देखिए आपके जरूर में सबसे ज्यादा आगे मैं ही रहूंगी। इससे ज्यादा लोग जो है बाहर बैठे हैं। काम हो रहा है, जो भी सरकार या आम आदमी पार्टी इस काम को अगर करवा रही है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जिससे हमारे मोहल्ले के और इधर उधर के जो मच्छर हैं बहुत जल्दी कम होंगे। अच्छा, क्या कौन सा वार्ड नंबर क्या है ये? 90। यस, ये वार्ड नंबर 90 लगता है। अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के निगम पार्षद से मिलवाने से पहले आपको बता दूं, हमने स्थानीय लोगों से बात की और फोगिंग मशीन के द्वारा एक डेंगू के खिलाफ एक अभियान चल रहा था वो आपको दिखाया। और युवा कर्मठ ईमानदार, जो युवा होता है बड़ा जोश होता है युवा के अंदर, इन 4.5 साल में उन्होंने क्या परिवर्तन किया अपने वार्ड में और आगे की क्या रणनीति, क्या रूपरेखा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के खास मेहमान से। शिवानी, नमस्कार। नमस्कार, ये मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है। जी 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 जी, मैं वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने वार्ड में तो बिल्कुल नहीं है, सब आपको कोई भाई बोलता है, कोई दोस्त बोलता है, कोई बेटा बोलता है। जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से भारत वर्ष को दे। मैं जो हूँ मोहम्मद सादिक, बल्लेवाला से निगम पार्षद हूँ। 2016 में मैं बाय इलेक्शन में जीत कर आया था। यहाँ से पहले निगम पार्षद थे इमरान हुसैन जी, वो बाद में MLA बन गए और उनकी सीट हो गई थी खाली, जब अवेलेबल सीट वैकेंट हो गई थी। उस बाय इलेक्शन में 2016 के अंदर मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था यहाँ से, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर वन रहा था, दिल्ली के अंदर भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था 2016 के बाय इलेक्शन में। फिर 2017 में बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी में तकरीबन 7.5 हज़ार वोट से जीता था, नंबर वन आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के अंदर, और दूसरा दिल्ली के अंदर 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। सर, ये जो नंबर वन का खिताब आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह? हाँ, ये इमरान भाई, इमरान हुसैन का यहाँ एरिया के अंदर वर्क है, जो लोग यहाँ उन्होंने मोहब्बत उन लोग पसंद करते हैं, उन्हीं के लोग लगन है उनकी, उनको इसलिए जो है 2016 में नंबर बन रहा है, 2017 में नंबर बन रहा है। अगर संगठन दोबारा आपको टिकट देता है और आप जनता दोबारा से जनप्रतिनिधि बनती है तो नंबर वन का खिताब यूँ ही लगातार चलता रहेगा आने वाले 5 वर्ष? अभी तो जनता बताइए, चुनाव जो 4.5 साल में एरिया के बल्ब हुए हैं, चाहे देखिए मेरे पास कॉरपोरेशन के पास बजट का है, 15 साल से तो भाजपा है, भाजपा ने बिल्कुल कंगाल कर दिया एम सी डी के अंदर, उसको कैपेसिटी बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ जितने भी फंड कराए हैं अपने MLA मंत्री इमरान हुसैन के बजट से सारे कराए हैं, चाहे सीवर का हो, पानी का हो, रोड निर्माण का हो, सी स्ट्रीट लाइट का, जो भी यहाँ मेरे वार्ड में जो भी विकास कार्य हुए हैं सब MLA के बजट से हुए हैं। और बाकी आपने सुबह तकरीबन 2-2.5 घंटे से आप मेरे साथ ही हैं, आप ऑफिस के अंदर यहाँ कैसे चेयरमैन रहती होगी, आपके सामने लोग आते हैं अपनी जो रखते हैं, 100% तो हम नहीं कर पाते लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा लोगों की मदद करें और कोशिश करते हैं। तो इस बार हो सकता है कि MCD में जो है आम आदमी पार्टी अपना बहुमत के साथ है? बिल्कुल, जो 5-7 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर विधानसभा में एक CM रहते हुए जो काम किए हैं वो तो विश्वसनीय है, उसको कोई नकार नहीं सकता, वो तो जनता के सामने है। उसी के आधार पर हम इस बार हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे MCD के अंदर, आम आदमी पार्टी और CM अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो विधानसभा वादे किए थे इसी तरह अपने मैनिफेस्टो कॉरपोरेशन के लिए देखिए। आम आदमी पार्टी लोग पसंद करते हैं, उन्हीं के लोग लगन है उनकी, उनको इसलिए जो है 2016 में नंबर बन रहा है, 2017 में नंबर बन रहा है। अगर संगठन दोबारा आपको टिकट देता है और आप जनता दोबारा से जनप्रतिनिधि बनती है तो नंबर वन का खिताब यूँ ही लगातार चलता रहेगा आने वाले 5 वर्ष? अभी तो जनता बताइए, चुनाव जो 4.5 साल में एरिया के अंदर बल्ब हुए हैं, चाहे देखिए मेरे पास कॉरपोरेशन के पास बजट तो है, 15 साल से तो भाजपा है, भाजपा ने बिल्कुल कंगाल कर दिया एम सी डी के अंदर,
उसको कैपेसिटी बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ जितने भी फंड कराए अपने MLA मंत्री इमरान हुसैन के बजट से सारे कराए हैं, चाहे सीवर का हो, पानी का हो, रोड निर्माण का हो, सी स्ट्रीट लाइट का, जो भी यहाँ मेरे वार्ड में जो भी विकास कार्य हुए हैं सब MLA के बजट से हुए हैं। और बाकायदा आपने सुबह तकरीबन 2-2.5 घंटे साहब मेरे साथ ही हैं, आप ऑफिस के अंदर यहाँ कैसे चेयरमैन रहती होगी, आपके सामने लोग आते हैं अपने जो रखते हैं, 100% तो हम नहीं कर पाते लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा लोगों की मदद करें और कोशिश करते हैं। तो इस बार हो सकता है कि MCD में जो है आम आदमी पार्टी अपना बहुमत के साथ है? बिल्कुल, जो 5-7 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर विधानसभा में एक CM रहते हुए जो काम किए हैं वो तो विश्वसनीय है, उसको कोई नकार नहीं सकता, वो तो जनता के सामने है। उसी के आधार पर हम इस बार हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे MCD के अंदर, आम आदमी पार्टी और CM अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो विधानसभा वादे किए थे इसी तरह अपने मैनिफेस्टो कॉरपोरेशन के लिए देंगे। आम आदमी पार्टी अगर MCD में आती है तो क्या बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नहीं, देखो बदलाव होता है, हम ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएंगे जो अगर कोई आधे मकान बनाता है जिससे रिश्वत मांगी जाती है, चाहे जो भी अधिकारी हो, जो भी जिस पद पे भी जो मांगते हैं उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। एक हम उसके लिए हमारे जो है मैनिफेस्टो के अंदर आएगा, जो भी मकान बनाएगा उसकी सरकारी फीस तय कर दी जाएगी, आपको सरकारी फीस जमा करानी है, आपसे इसके ऊपर एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो के अंदर आने वाला है। शायद आप मेरा इशारा समझ गए थे। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। निगम पार्षद पे आरोप लगाए जाते हैं कि लेंटर के पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिस्टम बंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बंद किया जाए। जो प्रोसीजर होगा वो पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा क्योंकि देख लूंगी बहुत सारे लोग आपके इंतजार में बैठे रहता है, वहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे। लखीमपुर की घटना आपके संज्ञान में आई होगी। हो गया। और बीजेपी की सत्ता, जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में वो बिल्कुल इतनी अंधी हो चुकी, एक साल से हजारों किसान मर चुके और बंगाल के अंदर उसका रिजल्ट मिल चुका, UP के अंदर रिजल्ट उसका भाजपा को मिलेगा, आने वाले उत्तरांचल के अंदर भाजपा को उसका रिजल्ट मिलेगा, पंजाब के चुनाव में, दिल्ली के अंदर हर जगह उसका उसको जवाब मिलने वाला है। किसानों के साथ जो एक अन्याय एक साल के अंदर हुआ है, जो भाजपा शासित जो उन्होंने पूरे केंद्र के अंदर भाजपा है उन्होंने जो अन्याय किया है उसको जवाब मिलने वाला है, चाहे पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, UP का चुनाव हो, बंगाल के चुनाव में आप देख चुके। कल भी ममता बनर्जी जो थी 50,000 से वोट जीती, तो आप सब कुछ आपके सामने कुछ बड़ा बदलाव इस बार मिलेगा 2024 के अंदर भाजपा हिंदुस्तान बहुत आएंगे, हम ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लेकर आएंगे जो अगर कोई आधे मकान बनाता है जिससे रिश्वत मांगी जाती है, चाहे जो भी अधिकारी हो, जो भी जिस पद पर भी जो मांगते हैं उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। एक हम उसके लिए हमारे जो है मैनिफेस्टो के अंदर आएगा, जो भी मकान बनाएगा उसकी सरकारी फीस तय कर दी जाएगी, आपको सरकारी फीस जमा करानी है, आपसे इसके ऊपर एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो के अंदर आने वाला है। शायद आप मेरा इशारा समझ गए थे। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। निगम पार्षद पे आरोप लगाए जाते हैं कि लेंटर के पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिस्टम बंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बंद किया जाए। जो प्रोसीजर होगा वो पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा क्योंकि देख लूंगी बहुत सारे लोग आपके इंतजार में बैठे रहता है, वहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे। लखीमपुर की घटना आपके संज्ञान में आई होगी। हो गया। और बीजेपी की सत्ता, जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में वो बिल्कुल इतनी अंधी हो चुकी, एक साल से हजारों किसान मर चुके और बंगाल के अंदर उसका रिजल्ट मिल चुका, UP के अंदर रिजल्ट उसका भाजपा को मिलेगा, आने वाले उत्तरांचल के अंदर भाजपा को उसका रिजल्ट मिलेगा, पंजाब के चुनाव में, दिल्ली के अंदर हर जगह उसका उसको जवाब मिलने वाला है। किसानों के साथ जो एक अन्याय एक साल के अंदर हुआ है, जो भाजपा शासित जो उन्होंने पूरे केंद्र के अंदर भाजपा है उन्होंने जो अन्याय किया है उसको जवाब मिलने वाला है, चाहे पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, बंगाल के चुनाव में आप देख चुके। कल भी ममता बनर्जी जो थी 50,000 से वोट जीती, तो आप सब कुछ आपके सामने कुछ इस बार कुछ बड़ा बदलाव इस बार मिलेगा 2024 के अंदर भाजपा हिंदुस्तान से साफ होने वाला। अच्छा, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। चलिए, सच की रफ्तार के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से, दिल्ली वासियों से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं जो हूँ तकरीबन 4.5 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पर बल्लीमारान के अंदर, और मेरी 100% कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो सीवर पानी के तकरीबन 70% मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, वो 30% जो भी काम रह गए हैं उसको हम सड़क निर्माण का, यहाँ मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाला हूँ, जितनी बल्लीमारान के तार जो हैंगिंग वायर्स हैं मैं उनको जो है दबाता है अंडरग्राउंड करने का मैं जो है काम शुरू करवाने वाला हूँ, जितने बल्लीमारान के अंदर हैंगिंग वायर्स रखे हुए हैं सब अंदर किए जाएंगे, और जो भी विकास कार्य बल्लीमारान के रह गए। पार्टी आपको टिकट इस बार नहीं देती किसी भी कारण पर, अगर कोई अन्य खड़ा होता है तो क्या आप उसको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे, तो जो पार्टी सर्वे कराएगी जो भी इसका आधार होगा उसको देगी और वो चुनाव लड़ेगा। आपका मकसद है पार्टी को आगे बढ़ाना? पार्टी को आगे बढ़ाना। देखिए, मैंने शुरू में कहा था युवा है, कर्मठ है, ईमानदार है, उन्होंने कहा 100% तो कोई नहीं कर पाता, 70% मैंने काम किया, सच्चाई उन्होंने एक्सेप्ट की, उन्होंने कहा कि एक बड़ा बदलाव एक बड़ा परिवर्तन अपने वार्ड में इस बार किया जाएगा, और अगर जनता के ऊपर छोड़ते हैं, जनता किसे चुनती है,
ये जनता का फैसला है। लेकिन हम जाते जाते आपसे क्या है कि सामाजिक दूरी अभी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और अपने मत का सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसको 500 या 1000 या किसी भी चीज़ के लालच में बेचे ना। सही जनप्रतिनिधि जब आता है, आपका वार्ड काम करता है, दिल्ली का विकास होता है, देश का विकास होता है, हम सबका विकास होता है। अब फैसला आपको करना है कि आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं राजन राही, सच की रफ्तार।